नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। राजनीति का तूफान अब हर मुद्दे में दिखता है, लेकिन इस बार छात्र समाज की आवाज सुनकर भूचाल सा आ गया है। परीक्षा यानी कि जो यूपी पीसीएस की परीक्षा के खिलाफ छात्रों का गुस्सा है, वो सरकार को सीधे सीधे ललकार रहा है और कह रहा है कि ना हम बटेंगे और ना ही हम हटेंगे। दरअसल यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ परीक्षा की तारीखों और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने छात्रों को एक साथ सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है, वो भी बिना किसी संगठन या फिर राजनीतिक झंडे के तले। सिर्फ एक ही आवाज है और वो है कि हमारी मांग, हमारी पहचान। छात्र पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर और आरओ एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर है। छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को 1 day 1 shift और 9 normalization में किया जाए। छात्रों का तर्क है कि 2 shift में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से अच्छे छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यानी कि 1-2 shift में पेपर होने की वजह से 1 shift में सरल और 1 shift में ज्यादा कठिन प्रश्न होंगे, जिसकी वजह से आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों के छटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति बुनाने का काम भी खूब चल रहा है। कल प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। हर पार्टी ने अपनी जुबान से नारे लगाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। यूपी पीसीएस में धांधली रोकने की मांग करने पर सरकार हिंसक हो गई। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ है, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो वहीं मायावती ने भी सवाल उठाया कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जो खुद भाजपा से है, वो भी छात्रों के समर्थन में आए। पर क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है या वाकई सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेगी, ये सवाल बाकी है। वहीं अब समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी हथियार ना बनाए, बल्कि युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दे। छात्रों की आवाज को दबाने का वक्त अब चला गया है, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो आने वाले कल में यूपी की तस्वीर बदलने का काम रखते हैं और दम भी रखते हैं। अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो ये ना बटेंगे ना हटेंगी लहर और भी तेज हो जाएगी, जिससे सरकार का उबरना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।